मौसम में गर्माहट और सीने में लगी आग कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन करते हैं। गुस्सा और जुनून दोनों साथ हो तो कुछ नाम जरूर रोशन करते हैं। यहाँ वही कवि कहना चाहते हैं, कवि घनानंद जी के पूरे जीवन के बारे में बताया गया और इन्होंने दो प्रकार की कविताएं उसी में दी है। पहली कविताएं डायरेक्ट पहले समझो, जीवन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लें, ठीक है। पहले बताया है कि आप प्रेम कीजिए, प्रेम का मार्ग बड़ी आसान होता है, ठीक है। लेकिन पहले तो दोहा में ये बता दिए हैं, ये पहली सवैया में, कि पहले प्रेम कीजिए, लेकिन दूसरे सवैया में देखिए बात क्या कहते हैं। लेकिन जब आपको प्रेम हो जाए और सामने वाला जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो उस समय वो प्रेम वन साइडेड एक तरफा प्यार कहलाता है और उस समय बड़ा पीड़ा होता है, दुख तकलीफ होता है, लगता है कि पूरा जहाँ सारे जहाँ का दर्द आप ही उठा के चल रहे हैं, ठीक है। और उस समय कुछ न कुछ युग परिवर्तन होता है, अगर बच गए तो युग परिवर्तन होता है, क्योंकि बाबू इसका दर्द कुछ न कुछ नया सिखाता है। अरे कहा नहीं जाता है कि ना दुख ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी कि हृदय की पीड़ा दूसरे में बताएं, अब पहला में तो बड़ा आराम से बता दिया है ये, ठीक है। क्या बताएं कि प्रेम बहुत ही सरल रास्ता है, देखिए। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इनकी मृत्यु को इनको कोई मार दिया था, कैसे मार दिया था। देखिए इनका जन्म लगभग माना जाता है 1689 ईस्वी में हुआ, 89 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1739 में हो गया, ठीक है। ये देखिएगा किसके द्वारा हो गया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें मार दिया। जानते हो क्यों मार दिया नादिर शाह के सैनिकों ने, समझिएगा। ये वृंदावन चले गए थे घनानंद, ठीक है। जब इनका सुजान से ब्रेकअप हो गया, ये एक मतलब नर्तकी थी जो डांस करते, उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, हड़ा वाला मोहब्बत समझते हो ना, वही, ठीक है। जी नहीं पाएंगे और मर नहीं पाएंगे, वही वाला मोहब्बत, ठीक है। और वो हुआ क्या कि वो इनको इग्नोर करने लगी, तो बेचारे अब सन्यासी बन गए, दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं यहाँ गिरे कहीं वहाँ गिरे, ठीक है। और सोचे कि जा रहे हैं अब सन्यासी बन जाने, वृंदावन चले गए। और वृंदावन में गए वहाँ पे, तब तक कि नारदी शाह के सैनिक वहाँ चले गए, और वहाँ जाने के बाद से सोना मांगने लगे। इनके पास तो कुछ था नहीं, देखिए क्या मांगे हैं, इसी में कहीं लिखे हैं हम, देखिए। वो बार बार जर 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 बोल रहे थे सिपाही, क्या बोलते हैं, जर जर, यानी सोना सोना सोना, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। वो बोले कि मेरे पास कहाँ कुछ होना, ठीक है। ये बोले रज रज रज, इसी का उल्टा बोल दिए। रज माने होता है माटी माटी माटी, बस आ गया सिपाहियों को गुस्सा और इनका हिसाब किताब कर दिए। बेचारे सुजान के प्रेमी, अब सुजान तो प्यार वार करती नहीं थी इनसे बेचारे से, तो ये क्या हो गया, निकल लिए यहाँ से। अब देखिए मार दिया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डीपली समझिए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले इन्हीं के दरबार में थे, किस पद पे, तो मीर मुंशी के पद पे ये काम करते थे। ये गाना भी अच्छा गाते थे और श्रेष्ठ कवि भी थे, ठीक है। और ये देखिए सुजान नाम के नर्तकी से इनको प्यार था, और प्यार तो था लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, तो विराग होने पर ये वृंदावन चले गए, ठीक है, भक्ति में। और सिपाहियों ने उन्हें मार दिया, और वो बोला जर, ये बोले रज, और इस हिसाब से वो मार दिया। रज मतलब होता है माटी, जर माने होता है सोना। अब देखिए कविता ये कैसे लिखते हैं, तो प्रेम की पीड़ा, मस्ती वाला भी लिखते हैं, हंसी वाला भी, और वियोग वाला भी लिखते हैं। इनका कहना है कि लाइफ में उतराव चढ़ाव होते रहता है, ठीक है, इसी के बारे में लिखे हैं। व्याख्या किए हैं प्रेम की वेदना, इसमें किए हैं कि प्रेम होने के बाद अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो उसकी वेदना के बारे में, और सहने का चित्रण किए हैं, वो वेदना को सहते हुए कैसे सहा जाता है उसको घनानंद ने किया है। अब देखिए भाषा में ये किस प्रकार के भाषा से ये लिखते हैं, आसान भाषा है, कौन सा, देखो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषी ये लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से प्रमुख ग्रंथ, ये याद रखिएगा, सुजान इनकी प्रेमिका थी, अपने प्रेमिका पर एक किताब लिख दी, देखिए यहाँ पे सुजान सागर, ठीक है, एक लिख दिए क्या सुजान सागर। उसके बाद से विरह लीला, ठीक है, उसके बाद से रसकेली बल्ली, ठीक है, ये तीन ठो है। आपसे पूछा जाएगा कि सुजान सागर किसका है, तो याद रखिएगा घनानंद की ये गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और इसके बाद ये बता ही दिए कि दो ठो दुआ लिखे, पहला में प्रेम आसान होता है, दूसरे में बताया कि हृदय की पीड़ा प्रेम होने के बाद अगर छूट जाए तो कितना दर्द होता है, इसमें बताया गया। तो चलते हैं हम लोग दोनों सवैया देखने। कई मन की मोहब्बत पर मेरी जिंदगी में एक छटाक प्यार नहीं आ सकता, और घनानंद जी कह रहे हैं कि सुजान
मेरे ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं आ सकता। यानी कि इस पूरे के पूरे सवैया में बताया गया है किस तरह एक नृत्यांगना से प्यार और मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें हर वक्त वह इग्नोर करती है, हर वक्त उन्हें सजा देती है और हर वक्त उसके सामने जा करके गिड़गिड़ाते हैं कि बस हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ठीक है, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। पर कहती है वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बिना कोई नहीं मरता है। यहाँ गौर से समझिएगा इस सवैये को, यहाँ देखिए, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, यानी समझिएगा ये अति सुधो, ठीक है, स्नेह का मार्ग है, मार्ग है, यानी स्नेह का मतलब होता है प्यार और सुधो का मतलब होता है आसान, यानी सबसे आसान प्रेम का मार्ग है, प्रेम का रास्ता सबसे आसान है, प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जिसका दिल साफ हो। यह समझिएगा अति सुधो स्नेह का मार्ग है, ये कौन बोल रहे हैं, घनानंद जी उब करके बोल रहे हैं, ठीक है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकू सायानब वाक नहीं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, नेकू, नेकू का मतलब क्या होता है, नेकू का मतलब होता है तनिक भी, यानी समझिएगा, सयानप का मतलब होता है चतुराई, नहीं, यहां बोल रहे हैं कि प्रेम का रास्ता इतना आसान है जहां किसी प्रकार का तनिक भी, थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन काम नहीं आता। अगर प्रेम के मार्ग में थोड़ा सा भी चतुराई आ गया तो समझ जाना कि वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वहां दिमाग से नहीं दिल से फैसला लेना पड़ता है। यहां समझिए, तहां साचे चले तजी अपनो पो, तहां साचे चले तजी आपन पो, और झुझके कपटी जे निशाक नहीं। यहां समझिएगा, तहां साचे चले, इस पर सिर्फ सच्चे लोग चलते हैं, ठीक है, प्रेम का मार्ग आसान तो है लेकिन यह सिर्फ सच्चे लोगों के लिए है। यहां पे कह रहा है तजी आपन पो, यानी कि यहां पे अहंकार नहीं चलता है। कपटी लोग इस मार्ग पर चलने में झिझकते हैं, जो अंदर से कपटी होते हैं ना, उस मार्ग पर चलने में क्या करते हैं, झिझकते हैं। और यहाँ पे निशांक, यानी कि जिसके अंदर शंका होती है, मतलब निशांक माने बिना शंका के, अगर वो कोई अगर नहीं है, यानी कि उसके अंदर शंका है तो वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। ये कौन बोल रहे हैं, ये घनानंद जी बोल रहे हैं। यहाँ देखिए घनानंद अब क्या कह रहे हैं, देखिए कितना दुख में अपना व्या कर रहे हैं घनानंद जी बाबू, कह रहे हैं यहाँ देखिए ध्यान से, प्यारे प्यारे सुजान, सुजान इनकी गर्लफ्रेंड थी, यानी कि एक नृत्यांगना जहाँ जिस राज्य में रहते थे वहाँ एक डांसर थी, उसी से घनानंद जी को प्यार हो गया था, ठीक है। कह रहे हैं प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आँख नहीं, कह रहे हैं कि सुनो ना, मेरी जिंदगी में एक ही है, दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे सिवा कोई मेरा दूसरा नहीं है, ठीक है, तुम बात को क्यों नहीं समझती, क्यों हमें इग्नोर कर रही हो, ठीक है। यहाँ देखिए, तुम कौन धो पार्टी पढ़े, तुम कौन तुमको दूसरा पाठ पढ़ा दिया है, तुम कौन सा पाठ पढ़ लियो कि हमको समझने के लिए तैयार नहीं हो रही हो, ठीक है। कहो मन लेहू पे देहू छटाक नाही, कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें कई मन, यानी कई मन का मतलब समझते हैं ना, एक मन मतलब होता है कितना, 40 किलो, यानी कि हमने कई मन तुमको चाहा, अंदाजा नहीं लगा सकती हो कितना मन, नहीं बोला जाता है कि एक मन चावल दीजिए, तो कई मन चाहा, अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन तुम एक छटाक भी हमको अपना समय नहीं दी, ठीक है, यानी कि हमेशा हमको इग्नोर करते रही, इग्नोर अभी के ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसका बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यही ये बोल रहे हैं कौन, घनानंद जी, बहुत दुख है, बहुत रो रहे हैं और रोते हुए क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। मो असुवाहिनी ले बरसो, यानी कि यह उस समय की बात होती है जब इनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि अब सुजान इनको दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है, वो पूर्ण रूप से इनको भूल चुकी है, तब ये अंत में हार करके ये वाला सवैया लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, ठीक है, अब इनको समझ में आ गया कि कहानी खत्म है, तो क्या लिखे हैं, मो असुवाहिनी ले बरसो, यानी कि ये बात बादल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मो असुवाहिनी ले बरसो, यानी मेरे आंसुओं को ले जाके बरस जाओ, कहाँ बरस जाओ, ध्यान से समझिएगा, आंसुओं को ले जाके बरसाने का मतलब मेरे दुख को कोई सुजान तक पहुंचा दे, ये बादल से बोल रहे हैं, ये कवि बन चुके हैं इसीलिए बादल से बोल रहे हैं कि मेरे आंसुओं को ले जाके सुजान के पास पहुंचाओ ताकि फिर भी अंत तक मेरे को समझ पाए। यहाँ देखिएगा क्या बोल रहे हैं बादल से, यहाँ पे देखिए, पर काज ही देह को धारी फिरे,
परजन्य, परजन्य का मतलब बादल होता है, क्या होता है बाबू, बादल। यानी कह रहे हैं बादल से कि तुम दूसरों के काम में क्या कर रहे हो, दूसरों परकाज ही देखो धरी फिरे, अपना रूप धारण करते हो दूसरों के काम में, दूसरों की मदद करते हो, ठीक है, दूसरों में हर वक्त काम आते हो, बिना किसी स्वार्थ के तुम काम आते हो। एक काम मेरा भी करो जो तुम्हारा अमृत है ना, यहाँ देखिए निधि नीर सुधा की समान करो, यानी कि जो तुम्हारा निधि नीर है जो सुधा के समान है, सुधा मतलब क्या होता है, अमृत के समान है, सभी विधि सज्जन सरो। एक काम ना करो जो तुम्हारा जल है जो अमृत के समान है, वो एक बार जल जा करके सुजान के घर भी क्या करो, पहुंचाओ, उसे बताओ हमारे तकलीफों को बताओ। यहां समझिएगा धन आनंद, ये धन आनंद बादल को ही बोला जा रहा है, फिर बोल रहे हैं हे बादल, ठीक है, बादल को बना है जीवनदायक हो, सबको सबका क्या करते हो, जीवन तुम ही देते हो, बादल से ही जो पानी आता है शुद्ध पानी होता है बाबू, ठीक है। तो बोला जा रहा है घनान से तुम जीवनदायक हो, अगर तुम जीवनदायक हो तो यहाँ देखो कछु मेरियो पीर ये परसो, यानी कह रहे हैं कि कुछ मेरा भी, पीर मतलब होता है दुख दर्द, मेरे भी दुख दर्द को हर लो ना, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ मेरियो पीर ये परसों, यानी कि परसों मतलब कल परसों मत समझिएगा, ठीक है, मेरे भी कुछ दुख और दर्द को क्या कर लो, बांट लो। तुम क्या हो, तुम तो जीवनदायक हो, मेरी भी जिंदगी बचा लो, हम सुजान के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कबहू बा बिसारी सुजान के आंगन मो आंसू बहनी ले बरसाओ, कभी ना कभी एक काम करो, ले जाके मेरे आंसू को सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उससे पता चले कि घनानंद कितना दुखी है और कितनी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है, ठीक है। तो ये रहा आपके घनानन का प्यार मोहब्बत वाला किस्सा, जो लगा हो आपको बहुत शानदार। लाइफ में बाबू आगे बढ़ने को सोचिए, प्यार मोहब्बत ये सब ढकोसला है, ये इसके सिवा कुछ नहीं है लाइफ में बाबू, इससे कोई फायदा नहीं होता। इस देखिए आपके जिंदगी में सिर्फ माँ बाप के सिवा कोई प्यार नहीं करता, बाकी सब अट्रैक्शन है, ठीक है। किसी को देख करके अगर उधर आप मोहित हो रहे हैं तो वो सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत कभी तकलीफ दे ही नहीं सकता है, और जो तकलीफ दे सकता है वो प्यार मोहब्बत है ही नहीं, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, याद रखिएगा आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सवैया समझ में आया होगा, किसके प्रेम के बारे में है, घनानन के प्रेम के बारे में है, ठीक है। उनको एक नृत्यांगना से प्यार हो जाता है, और कितना भी प्यार करने के बाद हर वक्त वो क्या करती है, उनको इग्नोर करती है, और अंत में जब उनको समझ में आ जाता है कि अब उनको नहीं मिलने वाली होती है, तो उस समय वो अपने आंसू को कहाँ बरसाने के लिए बहते हैं, बादल से, कि ले जाके सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि पता चले उसको, ठीक है, क्या पता चले कि हम कितने दुख और तकलीफ में हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सवैया या जो भी एक काव्य खंड में उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।